वेलकम बैक इन द सीसीएल क्लास चैप्टर लेसन। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर क्लास नाइन्थ का हिंदी से कृतिका भाग एक, पूरी जो बुक आपकी कृतिका भाग एक से। तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है और जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो चलो जानते हैं हम क्वेश्चंस को एंड उनको जरूर से तैयार करके जाना, क्योंकि ये जो पोर्शन आने वाला है, ये जो बुक का पोर्शन होगा जिसमें से क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ, और ये क्वेश्चन शायद से दो या तीन मार्क्स में एक क्वेश्चन आने वाला है। पांच क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, पांच या चार क्वेश्चन, यानी कि 10 से 20 मार्क्स की पुस्तक है और इसके अंदर से आप आराम से जो है स्कोर कर सकते हो, क्योंकि पांच चैप्टर है। और अगर आपने किसी चैप्टर को मिस कर दिया, नहीं पता, नहीं समझ में आया, सो हमने वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी, तो लिंक जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट आप कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं, यहाँ पे पांच चैप्टर है। पहला चैप्टर है इस जल प्रलय के अंदर। इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु ने जिसको लिखा है, जिसमें बाढ़ की कहानी को बताया गया है। तो इसमें जो है क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से है जो इम्पोर्टेंट है, एंड यहाँ पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे, जो कि एनसीईआरटी से पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो बाढ़ की जो बात है, खबर है, उसको सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो क्या तैयारी करने लगे थे आपको पता है, जब बाढ़ आती क्या तैयारी करते हैं, वही जो है पूरा माहौल यहाँ पे भी था, दिया सलाई, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या सामान थे, ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी, कापोज की गोलियां, पत्थर, पत्रिकाएं इकट्ठी करने लगे और अपने सामान को सुरक्षित करने लगे, छतों पर जाने लगे लेकर, ठीक है। तो वो सब चीजें है यहाँ पे। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों हो सकता है, क्योंकि उसके जो इलाके में पहली बार बाढ़ आ रही थी और उस बाढ़ का जो नजारा था वो खतरनाक था, क्योंकि सभी की दुकानें बंद हो चुकी थी, तो वहां पे जो है लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही बाढ़ आ जाएगी और बाढ़ आएगी तो सब कुछ तबाह कर देगी। लेखक ने जो है बहुत सारे बचाव कार्यों में, मतलब जहां पे बाढ़ आ जाती है वहां पे बचाने का काम भी किया, बट कभी उसके इलाके में बाढ़ नहीं आई थी। तो ये पहली बार हो रहा था कि बाढ़ आ रही थी और लोगों को ये जानकारी, एग्जैक्ट जानकारी चाहिए थी कि बाढ़ कहां तक पहुंची है, ताकि वे जो है उसी हिसाब से अपनी जो है रफ्तार को कमियां ज्यादा रखें, ठीक है। उसके बाद में आता है मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। चौथा क्वेश्चन था आपका एनसीईआरटी से, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है। ये पानी को कहा गया है क्योंकि पानी जो है सब कुछ तबाह कर देता है, हर चीज को खत्म कर देता है जो इंसानों ने बनाई है, इसीलिए उसको मृत्यु का तरल दूत बोला जाता है। उसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। तो ये सेवंथ क्वेश्चन आपका, पान वाले की बिक्री क्यों बढ़ गई, क्योंकि उसके पास में जो है ट्रांजिस्टर लगा हुआ था और सभी की दुकानें बंद थी, लेकिन उसके पास में जो ट्रांजिस्टर था उसमें जो लोग बाढ़ की खबरें सुन रहे थे कि कहां तक बाढ़ पहुंच चुकी है और वहां पर टाइम पास करने के लिए कुछ था नहीं खाने पीने के लिए, तो वहां पर सिर्फ पान वाले की दुकान खुली हुई थी जिसको लोग पान, जिसपे से लोग पान चबा चबा कर अपना टाइम पास कर रहे थे, इसीलिए उसकी बिक्री एकदम से बढ़ जाती है। तो ये तो था यहाँ पे इस चैप्टर से, और मैं आपको बताऊं तो इस चैप्टर से मोस्टली चांस रहेंगे दो या तीन क्वेश्चन आने, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चंस भी आते हैं आपके कुछ कि जिनको आप छोड़ सकते हो, तो यहां से आपके दो या तीन क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे और इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, सो इसके क्वेश्चंस जरूर से याद करके जाना। अभी आता है अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है, दूसरा चैप्टर है मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग ने जिसको लिखा है। तो इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या है कहानी। तो यहाँ पे जो है लड़कियों के बारे में है कि ये अपनी नानी के बारे में बताती है, तो नानी की ही कहानी है, तो नानी की विशेषताओं पे क्वेश्चन जरूर आएगा। जो क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा पर फिर भी उसके व्यक्तित्व से वे किस तरीके से प्रभावित थी। तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना, क्यों आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। इसको मैंने जो है लास्ट वीडियो में बताया था जब इस चैप्टर को हम कवर कर रहे थे, तो इसको जो है आप लोग याद कर लेना। उसके बाद में जो है इस चैप्टर से एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। तो भागीदारी तो पता ही आपको, उसने जो है शादी करवाई थी, जो है प्यारे लाल को बुलाया था और वहां पे जो है उसने बोला था कि स्वतंत्रता सेनानी से मेरी बेटी की शादी करवा देना। तो ये था यहाँ पे, और इस चैप्टर से सिर्फ ये दो क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। वहां पिछले चैप्टर से हमने तीन या चार क्वेश्चन देखे थे, इस चैप्टर से सिर्फ दो क्वेश्चन है जिनके आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रीड की हड्डी, जिसमें एक विवाह का अटेम्प्ट किया जा रहा है, मतलब लड़के वाले लड़की को देखने आए हुए हैं और वहां पे जो है उस लड़के की जो रीड की हड्डी है वो जो है टेढ़ी है, यानी कि उसकी जो कमर है वो टेढ़ी है, तो उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। तो इसमें देखते हैं इसमें से क्या खास है क्वेश्चन।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक तो पहला क्वेश्चन वैसे चांस कम है मेरे हिसाब से, बट आप जरूर से याद कर लेना, क्योंकि अगर आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको छोड़ के चले जाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से जिनको आप छोड़ सकते हो, जिनमें आपकी राय मांगी जा रही है ना, तो वहां पे उन क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रामस्वरूप और गोपाल, पहला क्वेश्चन है ये, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं, इस प्रकार की तुलना कहाँ करना कहाँ तक तर्क संगत है। तो इसके वैसे चांस बहुत कम है, बट आप पढ़ सकते हो। तो वो क्या सोच रहा था, क्योंकि उनको जो है एक अनपढ़ सी बहू चाहिए थी, लेकिन वो जो है पढ़ी लिखी बहू जो है उमा थी, तो वो ज्यादा पढ़ी हुई थी, तो बीएससी कर रखी थी उसने, इसी कारण से जो बोल रहा था कि एक हमारा जमाना था, क्योंकि उस टाइम पे उसके जमाने में जो है मर्दों को ही तवज्जो दिया जाता था, उन्हीं की वैल्यू थी, औरतों को जो है पीटा जाता था, मारा जाता था, तो यही कारण था कि वो जो है बार बार ये इस बात पे जोर डाल रहा था कि एक हमारा जमाना था। सो ये क्वेश्चन है, उसके बाद में देखते हैं कि सही सा क्वेश्चन, रेत के अड्डे एकांक की नारी प्रमुखता में दर्शाया गया है, कथांत एकांकी का उद्देश्य है समाज में महिलाओं की उचित अपनी बेटी का स्थिति क्या है, उचित क्यों नहीं है आपके लाड़ले। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन आपका, फिफ्थ क्वेश्चन भी जरूर से याद कर लेना, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, आपके लाड़ले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, उसके कथांग के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत किया गया है, ठीक है ना। इसमें जो ब्रैकेट में दे देंगे कि ये इस चैप्टर से ये लाइन दी गई है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए किस और जो उसने इंडिकेट किया था, उसने जो है बताया था कि जो गर्ल्स हॉस्टल है उसके पास में जो गर्ल्स कॉलेज है, तो वहां पे जो है वो घूमता हुआ पाया गया था, और उसके बाद में जो है उसे सजा दी गई थी, नौकरानी के पैर पड़ के जो है मुंह छिपा के वो भागा था, उसके अलावा उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, और स्कूल में जो है उसके सॉरी कॉलेज में जो है वहां पे सभी उसको रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, तो ऐसा कर करके उसको चिढ़ाते भी रहते हैं। तो ये तो ये क्वेश्चन यहाँ पे जो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ ये पांचवा क्वेश्चन आप जरूर से पढ़ के जाना, पांचवा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सो अभी बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि माटी वाली, विद्यासागर नोटियाल ने लिखा है। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इस चैप्टर से, जिसका नाम है, जो क्वेश्चन है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं, आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके कारण माटी वाली को सब पहचानते हैं, क्योंकि वो इकलौती थी, कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, और आसपास जिस इलाके में वो गांव बसा हुआ था वहां पे दोनों तरफ नदियां थी, और बीच में मतलब कहीं तक काफी दूर तक कोई कुछ भी अच्छा ऐसा नहीं था जिससे जो वहां पे मिट्टी कोई इस्तेमाल किया जा सके, रेतीली मिट्टी थी तो घरों में इस्तेमाल करने लायक नहीं थी, सिर्फ ये माटी वाली थी वहां पे माटी लाया करती थी, लाल मिट्टी, तो इसी कारण से जो है वो लोग उसको पहचानते थे, उसके कनस्तर को पहचानते थे जिसका ऊपर का ढक्कन वो काट के रखती थी। सो ये है। उसके बाद में जो है तीसरा क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, भूख मिट्टी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है, क्योंकि जब भूख लगती है वो यहाँ पे एक तर्क संगत दिया गया है, मतलब जब वो जाती है मिट्टी देने के लिए तो उस टाइम पे बोलती है कि भूख मिट्टी की भोजन मीठा, तो वहां पे बोलती है क्योंकि उनको जो है पहले भूख मिटानी है, बाद में देखना है कि उसके साथ कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो भी कुछ खाने को मिल रहा है उसको खा जाते हैं, क्योंकि मजबूरी है कुछ नहीं है, लेकिन कुछ है जो उसको भी अगर छोड़ देते हो, तो वहां पे वो चीज है यहाँ पे, और इसको जो है आप जरूर से पढ़ लेना, याद कर लेना। उसके बाद में आता है पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन के चांस बहुत कम है, ठीक है ना, पांचवे क्वेश्चन के चांस ज्यादा है थोड़े से। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाने की किस मजबूरी को प्रकट करता है, क्योंकि उसका पति बीमार था वो कुछ कर नहीं सकता था, सो वो जो है माटी वाली उसके लिए रोटियां इकट्ठी कर लिया करती थी, ठीक है। आज माटी वाली गुड्डे को कोरी रोटी नहीं देगी, इस कथन के माध्यम से भाव को शब्दों में स्पष्ट कीजिए। गरीब, ये सेवंथ क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, गरीब आदमी का शमशान क्यों नहीं उजड़ना चाहिए, ठीक है, संसार नहीं उजड़ना चाहिए, इस कदम का आशय स्पष्ट कीजिए। तो वहां पे जो है जब वो जाती है अपने पति के लिए रोटियां, तीन रोटियां इकट्ठी कर रखी थी उसने, और तीन रोटियां लेके जाती है, प्याज लेके जाती है कि आज अपने बूढ़े को सब्जी के साथ खिलाएगी, लेकिन वो बूढ़ा मर चुका था, कोई रिएक्शन नहीं देता है, और उसके बाद में जो है वहां पे बांध बनने की बात आती है टिहरी पर, तो वहां पे बांध के चलते जो उसे अपनी जो जगह थी जिस झोपड़ी में रह रही थी, ठाकुर की झोपड़ी थी वो, लेकिन वो उसको वो जगह भी छोड़ के जानी पड़ती है, अभी पहले जो है वो मिट्टी बेच के अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब वो क्या करेगी, इसीलिए बोलती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो ये क्वेश्चन था इस चैप्टर से जो कि मैंने बता दिया, तीन या चार क्वेश्चन बताए हैं, सो इनको आप जरूर से याद कर लेना, जिनके पूरे पूरे चांस है, ठीक है ना। उसके बाद में आते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है आखिरकार, किस प्रकार आखिरकार मैं हिंदी में आया, तो शमशेर बहादुर सिंह, तो इसके देखते हैं, तो
दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन सी ऐसी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया, तो यहाँ पे कौन सी बात ऐसी रही थी कि जिसने लेखक को मजबूरन दिल्ली जाना पड़ा, तो वो बात क्या थी कि उसको जो है किसी ने बात बोल दी थी जिसके कारण उसको जो है दिल्ली जाना पड़ा, मतलब कोई ऐसा जुमला जुमला बोला गया यहाँ पे, मतलब वाक्य ठीक है ना, जो उसको परेशान कर रहा था बार बार, मतलब एक कटाक्ष वाक्य उसको बोल दिया गया था जिससे उसने जो है वहां पे फाइनली दिल्ली जाने का निर्णय कर लिया। लेकिन इसके जो है आएगा तो एक नंबर में आएगा, ज्यादा चांस नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन इस पे से आएगा, ठीक है। लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा, ये आ सकता है 2 या 3 मार्क्स में आएगा, तो ठीक है ना, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं लास्ट में तो उनमें से आ सकता है ये शायद से। तो लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा, क्योंकि उसने जितने भी राइटर्स देखे वो सभी हिंदी में लिखते थे और हिंदी में लिखने के चलते उसको जो है हिंदी पढ़नी आती थी, लेकिन वो लिख नहीं सकता था, उनकी पंक्तियां नहीं बना सकता था, और जो कहानियां थी उसकी पहले अंग्रेजी उर्दू में लिखता था तो वो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं होती थी, तो इसी कारण से जो उसे अफसोस रहा होगा उसको अंग्रेजी भाषा में लिखने का, ठीक है ना। उसके बाद में आता है यहाँ पे लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है चैप्टर से जिनको आप जरूर से याद करके जाना। तो यही आज की इस वीडियो में, आई होप आप जो है क्वेश्चंस, अगर आपको भी कोई ऐसा क्वेश्चन पता है जो कि इम्पोर्टेंट है तो कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर दो। आपकी भी जो कमेंट है आप डिस्क्रिप्शन में, मतलब नीचे जाओगे स्क्रॉल करके कमेंट्स के सेक्शन में, तो वहां पे आपको अगर किसी भाई ने अच्छी कमेंट कर रखी होगी तो उसकी जो कमेंट है उसको हाईलाइट कर दिया जाएगा, ऊपर ले आएंगे हम लोग उसकी कमेंट को, ताकि और भी बच्चे जान सके। सो आप जरूर से एक बार कमेंट में भी जाके चेक करना कि क्या कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो कि इस किताब से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलो वीडियो को खत्म करते हैं, हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 8th, 9th, 10th, 11th and 12th की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, एंड अगर आप उनमें से कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो इस तरफ में सब्सक्राइब का बटन है, जाओ सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी आइकन को दबा देना ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें।